घंटों में गाड़ी मारी। नहीं नहीं इतनी नहीं मारी, लेकिन मैंने निकाल ली गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आपकी है मीम, ये मीम के फैसिलिटीज के साथ ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने लिए परमेसान मंगवाया है। तू चेक करो यार, जबरदस्त ये डायरेक्शन है। Assalamualaikum everyone, welcome back to Babar Nasir Official. This is me Babar Sheikh. Welcome back to another vlog, guys. So after 8 days बाद आज तमाम सब्सक्राइबर्स को ब्रांड न्यू व्लॉग में खुशामदीद। 8 दिन से इसलिए व्लॉग नहीं बन रहा था गाइस क्योंकि यार मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी इज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, घर वाले सारे बीमार हुए पड़े हुए थे। आई डोंट नो व्हाट क्या प्रॉब्लम हो गई हमें, नजर लग गई है भाई किसी की। तो अल्लाह पाक बुरी नजर बद नजर से मुझे भी दूर रखे और तमाम सब्सक्राइबर्स को भी दूर रखे गाइस। तो अभी अभी जो है बिल्कुल गुड मॉर्निंग हुई है, तो वॉल क्लॉक जो मेरे कमरे में नहीं है यार, मैंने सोचा था कि मैं लगा लूंगा वॉल क्लॉक, टकेगा नहीं, पता कि होम डेकोर कैसे होती है, लेकिन फिर भी वॉल क्लॉक दीवार पे नहीं लग सकती। खैर एनीवे ये भी जो है बिल्कुल आपके भाई की गुड मॉर्निंग हुई है। और आज के जो सिनेरियोज हैं गाइज वो हम लोग दोबारा से जा रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट्स पे, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा सीन हो गया था उसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सके थे, बस कुछ वजूहत हो गई थी गाइज। तो हमारी इतनी अच्छी पिकनिक जो थी वो पूरी समझो बढ़ गई थी, लेकिन आज हम दोबारा जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम जाके उसको पूरा एक्सप्लोर करके आएंगे। शायद पता नहीं क्या प्लानिंग्स होती है लोगों की, आई डोंट नो। खैर एनीवेज गाइज आप सबका खुशामदीद हो गया आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो भाई जिस जिसने बाबर नसीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके जल्दी से भाई के चैनल पर सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएगा। 1:32 हो रहे हैं इस टाइम, रूटीन है इतनी आउट हो गई, यकीन करो इतनी आउट हो गई। बिल्कुल अभी अभी सो के उठ के आपका भाई बिल्कुल फ्रेश होते के साथ ही मैंने कहा यार आज तो हर हाल में मुझे ब्लॉग पोस्ट करना ही करना है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो काफी जो है वो बाहर गेट पे भी आ गए थे, भाई इतने दिन हो गए ब्लॉग पोस्ट क्यों नहीं कर रहे, सब खैरियत तो है। क्या वजह है क्यों चिल्ला रहे? अरे 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 तो अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत थी यार। मम्मी को जो है वो चिकन गुनिया हो गया था, तो उन्हें रिकवर होने में उसमें बहुत दिन लग गए थे, तो अब जाके वो रिकवर हुई है। उसके जो मुझे लगता है सिम्टम्स वगैरह वो भी शायद, एक मिनट रुको यार, यार अम्मी का फोन आ गया था, उन्होंने बोला भाई नमाज पढ़ के नीचे उतरो और व्लॉग शुरू कर दो आज हर हाल में। अम्मी की जो फ्रेंड्स वगैरह वो भी मेरे व्लॉग्स देखती है, मेरे व्लॉग्स काफी सारे लोग देखते हैं यार। तो अभी बहुत सारे सिनेरियोस जो है ना मेरी जिंदगी में क्रिएट हो गए गाइस, जो मैं आप लोगों के साथ वक्त रहते शेयर करूंगा अगर मुझे कुछ बैड रिजल्ट्स नजर आए तो। बहरहाल अल्लाह बहुत बड़ा है गाइस, मुझे किसी चीज़ से कोई फिक्र नहीं है और ना ही मुझे किसी चीज़ की टेंशन है, क्योंकि मैं हमेशा से ये दुआ करता आता हूँ कि अल्लाह मेरे हक में जो बेहतर है वो करना। तो मुझे अपनी रब की ज़ात से बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूँ, अपनी रब की ज़ात से बिल्कुल मुतमईन हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरा रब जो फैसला करता है वो फैसला बेहतर करता है। सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप व्लॉग पोस्ट क्यों नहीं कर रहे, कोई मुझे समझ रहा है कि शायद मैंने व्लॉग छोड़ दिया, कोई कह रहा है कि शायद मैं टेंशन में हूँ, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है, कुछ भी नहीं है गाइस, चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। सिर्फ सिनेरियो तो था मैं आपको बता चुका हूँ गाइस। तो जल्दी से पहले पढ़ लेते जोहर की नमाज, अम्मी अमता कहती थी व्लॉग शुरू करते, तो भाई व्लॉग तो सुनिए पहले नमाज पढ़ लेते, उसके बाद आज फुल एंजॉय मार के आएंगे, फुल मजे करके आएंगे। बट सारा मैंने सही कर दिया है, कपड़े शपड़े जो है वो सब मैंने निकाल के इधर रख दिए अपने जो भी मैं लेके जाऊंगा। ये मेरा बैग बनाएंगे अभी इसको, ये वहाँ पे जाने के लिए जो कपड़े मैंने निकाल के साइड में रख दिए, बाकी चार्जर वार्जर सब यहाँ से निकालेंगे। पहले जल्दी से हम पढ़ लेते हैं जोहर की नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज वमाज पढ़ के बैग शैग तो सारा मैंने अपना ओके करके बना लिया है। घर वाले जो हैं मेरे बहुत ही ज़्यादा भाई जल्दी मचाने लग जाते हैं, जल्दी करो क्योंकि लास्ट टाइम ये हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी गाइज, और वो ट्रिप तो हमारी बिल्कुल बेकार चली गई थी फजूल की हरकतों की वजह से। खैर एनीवेज आज की ट्रिप बहुत मज़े वाली होने वाली है, बहुत इन्जॉयमेंट वाली होने वाली है। तो बैग वैग सारा रेडी हो गया, दीदी वाले जो हैं वो खड़े हुए वाटर पम्प के स्टॉप पर, तो हम लोग अभी तक घर पर ही हैं, बस यहाँ से निकलते हैं, व्लॉग जो हमारा कंटिन्यू होगा। यार जिस दिन बारिश का मौसम चाहिए होता है उस दिन इतनी शदीद धूप होती है, जिस दिन शदीद धूप चाहिए होती है उस दिन बारिश का मौसम होता है, ऐसा क्यों होता है गाइस? इनकी हशर तो बहुत बुरे हो रहे हैं दोनों के यार, इतनी गंदी हो जाती हैं, कपड़ा चढ़ाने की हमारी हिम्मत नहीं होती, साफ करने की हमारी हिम्मत नहीं होती, खड़ी लाके कर देते हैं और हालत ये हो जाती है गाइस। चेक करो यार, अरे लाला ये तो बड़ी खतरनाक गर्मी हो रही है, आ जाओ अम्मी। अम्मी जो है वो आ चुकी है, आज शी इज फीलिंग वेल। तबीयत बताएं? कुछ कुछ जरा सी बेहतर है। चिकनगुनिया बहुत खतरनाक होता है, सारे लोगों ने मुझे ये बोला हुआ है। ज्यादा खतरनाक तो नहीं है ना? मैं खतरनाक किधर हूँ?
सो गाइस गर्मी जो आज की है ना वो अचानक से इतनी तेज हो गई है गर्मी, बहुत शदीद गर्मी पड़ी है। अभी क्या कहते हो? बहुत भाई बहुत शदीद। मेरे ख्याल है ये जो है ना इस पूरे सीजन की अब जो गर्मी पड़ रही है वो इस पूरे सीजन का निचोड़ है। मेरे ख्याल में गाइस बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मेरे ख्याल में जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उसके कुछ दिन बाद बारिश हो जाती है। क्या कहती है? गाइस एक तो कहते हैं ना बंद हो गई है बुराई जो कहते हैं ना बड़ी वाली बुराई वो आ चुकी है। गाड़ियां बंद हो रही हैं सारी अभी से। अल्लाह रहम करता है। बैठो बैठो, घर वाले जो आज मेरी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। तो भाई बड़े ही मुश्किल से हम लोगों ने जो है पूरा रास्ता क्रॉस किया है गाइस। काफी डिफिकल्टीज थी। नहीं नहीं इतनी नहीं मारी लेकिन मैंने निकाल ली गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भाई बड़ा ये बदोबदी खबरदार ये गाना लगाया होगा। क्यों भाई बुरा गाना। फाइनली गाइस हम लोग जो है वो अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, ड्रीम वर्ल्ड रिसोर्ट पर। तो भाई यहाँ से जो है हमें जाना है राइट पर क्लब हाउस पर। तो ये जो रास्ता है ना गाइस बड़ा ही क्लासी लगता है यार मुझे। ये जो क्रॉसिंग है ना इनकी बहुत प्यारी बनी हुई है। बिल्कुल ही स्ट्रेट जाकर यहाँ पे साइड में जो है कार पार्क की है। नहीं ऊपर से भी आ सकते कोई इशू नहीं है। सो गाइस फैमिली वाले जो हैं वो सब उतर गए हैं और आज अनएक्सपेक्टेबली इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि अभी थोड़े बाद बादल मुझे नज़र आना शुरू हुए हैं गाइस। क्योंकि हम लोग जो है वो मेरे ख्याल में अल्लाह का बड़ा खुश होकर एहसान है कि हम जगह पर पहुँचे तो जो है वो बादल ज़्यादा आ गए। बादल दो मिनट दो यार गाड़ी लगाओ जरा बंदा लगवा रहे हैं गाड़ियाँ। अम्मी वाले सारे बाहर खड़े हो गए भाई उतर के। आपकी अभी अभी छुट्टी हुई थी आपके पाप में धो रही हूं। कितना कोर्स कौन सी क्लास में आप अंकल बात तो नहीं बात तो नहीं पीली शर्ट पीला वेट पीला मोशन भी आ जा आपको भाई पीले बैग के साथ पीली शर्ट और मेरी बहन के लिए पीला मोशन भी आता है आपको। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको ये वाली जो हमारी सिटिंग एरिया था वो तो याद ही होगा। तो अम्मी दीदी वाले सारे भाई बैठ गए। अम्मी को तो सामान सामान रख दिया था। ठीक हाँ? ये आपकी है मिल्की फैसिलिटीज के साथ। दो तरह की ये चीज़ें मिलानी पड़ेंगी जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज जो है वो एक पेपर पर मिल जाएंगी। सो गाइस अभी जो है वो मेरे तो मुँह पर फ्लैश पड़ रहा है इसलिए मेरी शक्ल नज़र नहीं आ रही, खराबी नज़र आएगी। तो गाइस ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट्स में जो हमारी मेंबरशिप है अब यहाँ पे सीन ये होता है कि जो भी लोग आते हैं ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट्स में से इतना रश नहीं होता है, बहुत कम रश होता है। तो आते के साथ ही आपको दो ये पेपर मिल जाएंगे। एक जो होगा वो फैसिलिटी का आपका वो होगा परमिशन और दूसरा आपका मील जो कार्ड होगा। तो अभी हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 लोग हमारे साथ हैं तो हम लोग इसी कार्ड पे ही खाएंगे। इसमें ही लंच होगा, इसमें ही डिनर होगा और इसी में ही सारी परमिशन फैसिलिटीज हर चीज़ इसमें होंगी। तो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता नहीं सका था क्या या तो लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बता नहीं सका था लेकिन अभी जो है वो हम लोग फुल ऑन एन्जॉय करने वाले हैं यार। लास्ट टाइम हमारा एन्जॉय बहुत गंदी तरीके से बढ़ गया था तो इस दफा हमें प्रोग्राम नहीं बढ़ना। क्या कहती हूँ सही इस दफा बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। निकल के आ गए थे जल्दी जल्दी में और पूरा सारा सिनेरियो ऐसे ही रह गया था खराब सा। ये ले तेरा है फैसिलिटी कार्ड है ये पकड़। ये मुझे कह रही है कि पीला बैग पीली शर्ट तुम्हें मोशन भी पीला आता है देख रही हूँ। आप क्या कह रही है? थीम है। अच्छा तो फिर आज आप चीज करना चाहता हूँ यार मुझे अम्मी को पसली भी लेके जाओ चलो खड़े मैं तो उल्टा इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि सन का जो शेड है फिर वो मेरे फेस पे पड़ता है। हमें जो है वो ऊपर जाना है।
जा रहे हैं भाई लंच करने के लिए, तो लंच करने के बाद जो है उसके बाद हम नहाने धोने का सेटअप करेंगे सारा। तो यार अम्मी बेचारी, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन फिर भी रास्ता बहुत ऊंचाई से ऊपर जाके जल्दी पहुँचते हैं, खाते हैं यार, सुकून से बहुत भूख लग रही है। सो गाइस, जो मैंने आपको वेव्स वाला सीन दिखाया तो वो सामने है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अभी नहीं, पहले हम लोग लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर सामने चलेंगे वेव्स में। फैमिली वाले जो भी पहुँच चुके हैं भाई, ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ हमें जाना था। इन लोगों का थक के बुरा असर हो चुका है, हादिया फुलन पोजिंग्स में लगी हुई है अपनी बेस्ट फ्रेंड देख के, मुझे सबकी भूख ज़्यादा हो गई है। आ जाओ। तो जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठना है, पहली फुर्सत में सनब्लॉक लगाना है, क्योंकि जो है वरना बहुत बुरा असर हो जाएगा अगर सनब्लॉक नहीं लगाया तो। सब लोग जो है वो पिक्चर्स वगैरह खींचने में लगे हुए हैं, आ जाओ जल्दी। सो गाइज, वी आर इन, और जो है बहुत गर्मी है भाई, मैं तो बिल्कुल ए सी के सामने जाके बैठूंगा भाई। सारे लोग जो है वो अब ऑर्डर देंगे, तो पहले देख लेते हैं मेन्यू में है क्या क्या। रमान डोंट कैप्चर मी। एसी की हवा अपने मुंह पे करके यहाँ बैठ के, ये जो लड़की है ना हमारे घर की, बहुत चलाक लड़की है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैठते के साथ ही इसने चिलर को किया 26, किस पे किया तुमने देखो अल्लाह, 16 पे करके स्पीड सेट करके पूरा अपने हवा। वन एक्सट्रीमली अननोइंग शिफ्ट लेटर। जी ऑर्डर रिपीट कर दें। अच्छा सर, दो बिस्ट्रो स्पेशल पास्ता है, एक रेशन सलाद है सर, एक पैरागोन स्टेक है, दो चिकन फ्राइड राइस और दो मंचूरियन है सर, एक चिकन नगेट्स है, चिकन चौमिन है, सही है, और गार्लिक राइस, चिकन चिली ड्राई, ठीक है, और एक पार्मेजान चिकन। ओके ओके, 20 से 25 मिनट। थैंक यू। 2000 साल और कुछ मिनट लगे ऑर्डर लेने में, पूरे घर का ऑर्डर जो है ना, वो तो जब हम लास्ट टाइम फैमिली डिनर्स पर जाते थे गाइस, तो वहाँ बहुत टाइम लगता था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने डिनर पर जाना बंद कर दिया और जो है वो घर में खाने बनाने शुरू कर दिए, तो अभी जो है वो हम अचानक से बाहर निकले और वो बहुत अच्छे से समझिए, चप्पल उड़ती जा रही थी, तीर भी उड़ता जा रहा था, आपने ले लिया। ब्लॉग की बातों को ब्लॉग तक ही रखा करें, उसे अपनी ज़िंदगी में जो है ना लाकर जो है ना वो मेस क्रिएट मत किया। बिल्कुल, वो आती थी। अच्छा गाइस, इन्होंने जो है ना वो पर्दा करने की सोची है, और इन्होंने बिल्कुल ना पर्दा करने की नहीं सोची, इन्होंने पर्दा करने की सोची है। अम्मी को हमने बहुत चलवा दी, अम्मी बहुत गुस्से में है और बहुत भूख भी लग रही है अम्मी को। कह दीजिएगा हमारी अम्मी ने हमें बहुत घुमाया, समझ रही हो तुम, समझ रही हो, बिल्कुल घुमाने चाहिए। ऑर्डर में हमारे लगेंगे एटलीस्ट 20 मिनट। व्हाट डू यू वांट स्टार्टर? इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, उसमें भी 5 मिनट लगेगी। क्या कह रही है? चेक करो अचानक से कैसा वेदर हो गया। ओए होए भाई, घर वाले जो हैं वो इतनी फोने कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो खाना है वो आ चुका है, कैमरा इतना गंदा हो रहा है, जल्दी आओ। मौसम चेक करो गाइस अचानक से। हेलो भाई, आ जाओ फिर जल्दी, फोटो बनाओगे? जी जी आ रहा हूँ, फोटो बनाऊंगा, सब करूंगा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मम्मी वालों से सब्र हो नहीं रहा है, और मौसम इतना प्यारा है, तुम्हें टिकटॉक वगैरह बना रहे थे, मैं और बनी बस जा रहे हैं वापस रेस्टोरेंट तक। मिनट भी वेट नहीं किया, वैसे ही शुरू कर दिया, दो मिनट में गंदा रुकता है। सो 2000 ईयर्स लेटर बाद सारा जो है अभी लेफ्ट है। हां ना, पास्ता नहीं आया, टर्मन नहीं आया, चिकन नहीं आया आपकी। तो यार घर वालों से तो मेरे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, इन लोगों ने जो अपना खाना शुरू कर दिया है, कुछ चीज़ें अभी भी बकौल रोमान के लेफ्ट है। ये पार्मिजान है। ओके, स्टेक भी आ चुका है रोमी का। ये जो है बिस्ट्रो स्पेशल पास्ता है। दीदी टेक इट, दीदी टेक इट, टेक इट। ऑर्डर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, मैंने अपने लिए पार्मिजान मंगवाया है, किसी ने अपने लिए जो फैटी चीनीज और पास्ताज वगैरह मंगवाए हुए हैं। आज इन लोगों ने रच के चीट डे कर लिया मेरा व्लॉग, अल्लाह करे इनकी जो दोनों की ट्रेनर है वो देखे, और वैसे भी उन्हें मेंशन करूंगा, लिंक भी भेजूंगा ताकि तुम्हें पता चले कितना इतने से चावल के ले लिया आपने, जो वहाँ का सारा खाना खत्म हो गया, समझ तो गए होंगे आप। टिकटॉक बना रही है, दिखा प्ले तो कर। जगह पे वापस आ गई जहाँ पे मैं लास्ट टाइम आया था यार, बड़ी ही सडक्टिव स्थैटिक सारी जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये इन्होंने आर्टिफिशियल सी बनाई हुई है, इतनी प्यारी लगती है जगह ये, वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद आती है जगह, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुझे जगह पसंद। क्या कहती बनी, चेक करो गाइस इतनी प्यारी लग रही है यार। हाउस हम लोग पहुँच चुके हैं, सामने जो है वो डेजर्ट सफारी है और हॉर्स राइडिंग, फार्म हाउस हम लोग आ चुके हैं। प्ले एरिया यहाँ पर तो मौजूद है, यहाँ पे हमारा काम नहीं है, लगे पड़े भाई गेम्स खेलने में। क्या खेल रही है तू? आ ही नहीं, मैं अभी बताती हूँ क्या खेल।
और ये दो फुसड्डे गेम्स के नाम पे जीरो बटा। सामने जो स्लाइड्स आप देख रहे हो, ये वाली स्लाइड्स मैंने लास्ट टाइम नहीं ली थी भाई, इसके बराबर में जो स्लाइड्स हैं वो रिंग वाली मैंने ली थी, ये वाली मैंने नहीं ली यार, बहुत डर लगा था मुझे इसमें जाने। बहरहाल गाइस अभी जो है वो थोड़ा मौसम बेहतर हो गया है, तो ये कि हम लोग विजिट भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपना फुल मज़े वाले सीन्स है। तो पानी में जाने वाला काम नहीं है यार, पानी बस वैसे भी थोड़ा शाम था दोपहर में, सोच पानी में नहीं गए थे आज, जो सीन है ना वो इस वजह से मैं पानी में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पाँव पर लग गई है बड़ी खतरनाक वाली चोट। ये देखो तो गाड़ी के दरवाजे में मेरा पाँव आ गया यार, मेरा पूरा नाखून ब्लू ब्लू हो गया, पूरे पैर का नाखून सारा ब्लू हो गया है, पाँव जो है ना मेरा बढ़ गया है आज। तो अभी है कि डेजर्ट सफारी की तरफ जा रहे हैं, बड़ा ही प्यारा सा रास्ता बना हुआ है, तो जल्दी से डेजर्ट सफारी पहुँचते हैं, वहाँ जाके व्लॉग कंटिन्यू करें। व्यू चेक करो गाइस, कितना एस्थेटिक व्यू आ रहा है, मतलब चेक दिस आउट। नाउ जो है अब हम लोग जाएंगे डेजर्ट सफारी में, तो मैं और बनीन जा रहे हैं क्योंकि एट अ टाइम जो है ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है, बाकी किसी के पास नहीं है, तो so sorry for this time. चल छोड़ो, हाँ हेमलेट का हेलमेट का है, मुझे भी मिलवा दिया इन लोगों ने। गाइस वी आर ऑन द वे टू चैनल बता दो भाई, बाबा ने थैंक यू। सबसे पहले हम लोग वनीन जो है मुझसे सवाल कर रही थी कि मामू शेर वेर तो नहीं होना बीच में, बैठो हेलमेट लगाओ। सो भाई डेजर्ट सफारी सीन ऑन है, हेलमेट पहनेंगे जाहिर है, फिटी नहीं हो रही, चल जी 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 पहनने भाई पहनने। अरे सबर तो कर, नहीं मोबाइल एक हाथ से पकड़ लूंगा, कोई स्टीयरिंग आपसे नहीं होगा ना, हां स्टीयरिंग आपसे सही से नहीं होगा, नहीं संभलेगा, नहीं स्टीयरिंग जो आपसे पकड़ लो, सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो करेंगे हेलमेट उतारेंगे। भाई डेजर्ट सफारी की राइड जो हमने एंड कर दी है, काफ़ी अच्छा था यार, यहाँ से जाने में तो ऐसा लगा था खाली यू राउंड अबाउट से घूम के आ जाएंगे, लेकिन अंदर जाके काफ़ी लंबा था, क्या कहती हो है? कहती हो गाइस बहुत मजा गाइस, सनसेट भी हो रहा है साथ ही, बड़ा ही प्यारा मौसम लगा हुआ है भाई। ये था भाई ड्रीम वर्ल्ड रिसॉर्ट्स का लोकेशन मैप, लेकिन हमें जरूरत नहीं थी हमारे साथ भाई, तो उन्होंने पूरा हमें गाइड कर दिया। सो भाइयों जितने भी सब्सक्राइबर्स व्लॉग देख रहे हैं, पाँव में चोट लगा के ड्रीम वर्ल्ड रिसॉर्ट्स मत आना, पैरों में दर्द है मत आना, चल नहीं सकते मत आना, क्योंकि चलाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है गाइस। अभी हम लोग समझो नॉर्थ से और साउथ की तरफ आए वापस, तो क्योंकि हमें करनी है बोटिंग गाइस, तो अभी मैं बोटिंग की तरफ आ गया हूँ, थोड़ी बहुत बोटिंग करेंगे यार, मेरे पैर में चोट लग गई, सारा मसला ये हो गया, वरना यकीन करो मैं जिस तरीके से अभी भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखाया, लेकिन इससे ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं जैसे मेरी आदत है वैसे दिखाता आप लोगों को, लेकिन बस बोटिंग करेंगे उसके बाद फिर घर निकलेंगे, क्योंकि कम नहीं है, मगरिब की अजानें भी चल रही हैं साथ ही,
बोटिंग करेंगे, थोड़ी सी इंजॉयमेंट करेंगे, फिर ऑफ। बोला उतार दो, तो मैं तो स्लीपर्स पहन गया था, शूज मैंने पहने ही नहीं थे। आधे देखना चाचू का पाँव है। आसानी भी हो रही हैं भाई, जा रहा हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पाँव स्लिप ना हो। अल्लाह हू अकबर। एक जगह बैठना होता है, छोटी को सेंटर में बिठाइएगा। हाँ तुम लोग भी यार। अरे भाई पहले बोल, यार मेरे पाँव पे लगी है इसलिए जो है ना। मनी मेरे पे मत गिर जाना, तुम सुकून में आ जाओ हमें हमारे हाल में। डायरेक्शन लेफ्ट पे रखेंगे ना तो राइट पे। मनी आप ही आपकी वजह से टूटना है यार, पैर का जोर लगेगा इसमें। और मैं आराम से आपको देखती रहूं। व्यू चेक करो यार, जबरदस्त। ये डायरेक्शन है, हम तो चल ही नहीं पा रहे, चल ही नहीं रही। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है गाइस, बहुत ज्यादा प्यारा व्यू आ रहा है। चेक दिस आउट, लुक एट द बैक यू गाइस। वूहू, बस हम लोग भी थक गए, अब बोटिंग एंड हो रही है, बस पहुंच रहे हैं हम भी किनारे भी। इसका स्टीयरिंग है पतला सा, हादी और वनीन मेरे साथ हैं। हम लोग जो है वो पहुंच गए हैं कोने पर। बहुत प्यारा व्यू था गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा व्यू था। ये दोनों भी साथ ही बाहर आ गए, हम लोग भी निकल आए बाहर। चप्पल किधर है हमारी? क्या हमने सिर्फ हाफ देखा, अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। ओए होए, अभी भी तीन चार चीजें लेफ्ट है, हॉर्स राइडिंग है वगैरह। हम फ्री हो गए, सामने जो है वो कैंपिंग हुई हुई है, तो इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम आके कैंपिंग भी करेंगे सामने आर्टिफिशियल व्यू के साथ। सुकून चेक करो आप, खाली पीस चेक करो, सिर्फ हद से ज्यादा पीस है यार। बोटिंग वोटिंग सब कर ली है गाइस, अभी भी हम लोगों ने जो है वो आधा ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट घूमा है। काफी सारी चीजें जो है वो पेंडिंग है, तो जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में करेंगे। अभी चोट भी पैर में लगी हुई है और एंजॉय भी बहुत मज़े से हम लोगों ने कर लिया। अभी बस चाय शाय पीएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे घर। चाय आ गई है, चाय पीते हैं बस। तो नाउ तो गाइस भाई, ट्रिप जो है हमारी ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट्स की पूरी कंप्लीट हो गई है। चाय शाय भी हम सब ने पी लिया, फुल ऑन एंजॉय किया, थक के बुरा हाल हो गया, पैर में जो है वो चोट भी लग गई है। तो मम्मी वाले दीदी वाले सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हम लोग भी बस अब निकलने की करेंगे क्योंकि अंधेरा हो गया, दी एंड हो चुकी है ट्रिप। तो आई होप आप सारे लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। जिस जिसने बाबा सिर्फ को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखना। आज हम लोग भी बहुत थके और बहुत एंजॉय किया, मिलते हैं कल नए ब्लॉग से, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।